नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। बैराज में बिजली विभाग की मनमानी, डीबी जलने के बाद भी आदिवासियों के घर आ रहे बिजली के बिल, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। दमोह में लिपिक ने कलेक्टर के नाम पर हितग्राही से मांगी 10,000 की रिश्वत, मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर ने किया निलंबित। दमोह में पत्नी की सोनोग्राफी कराने आए युवक ने चुराया मोबाइल, अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी, पुलिस ने की मामले की जांच शुरू। दमोह में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई बारातियों से भरी बस, 36 बारातियों को लगा करें, 4 बारातियों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और मुरैना नगर पालिका परिषद के सीएमओ की मनमानी उजागर, नगर पालिका मेंटेनेंस के लिए स्वीकृत राशि से करा रहे निजी कार्य। और अब खबरें विस्तार से। कमलनाथ सरकार द्वारा बिजली की समस्या को लेकर जनता से किए गए वादे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत कंकरई की, जहां आदिवासी बस्ती में पिछले 6 महीने से बिजली की डीपी जली हुई है, मगर फिर भी बिजली का बिल बराबर आ रहा है। अब सवाल यह है कि जब लाइट नहीं है तो बिजली का बिल कैसे आ रहा है। वही ग्रामीणों ने बताया कि हमें 2 महीने से चिमनी के सहारे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है और हमें मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा। आदिवासियों का कहना है कि हम बिजली समस्या को लेकर विधायक से भी मिले, मगर विधायक ने कहा कि आपको 25% पैसे जमा करने होंगे तभी लाइट आएगी। आदिवासियों ने विधायक से कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो विधायक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आदिवासियों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग में भी शिकायत कर चुके हैं, मगर वहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हर महीने का बिल बराबर आ रहा है, मगर बिजली नहीं आ रही है। बैराट से सतीश धागर की रिपोर्ट। तुम 25% बिल जमा कर दो। बोले हमारे पास तो 25% बिल आता नहीं है। तो फिर जैसे ट्रांसफार्मर कोई माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजयगढ़ के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। कक्षा 10वीं में 126 नियमित छात्रों ने परीक्षा दी और 67 छात्र प्रथम श्रेणी में तथा 24 छात्र द्वितीय श्रेणी में, इस तरह से कुल 91 छात्र उत्तीर्ण रहे। कक्षाफल 72.2% रहा, इसमें से 20% छात्र 80% और 9% छात्र 90% से ऊपर रहे। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही प्राचार्य नीलेश कुमार गुप्ता द्वारा सभी छात्रों को बधाई भी दी गई और उनके प्रत्येक अभिभावकों एवं परिजनों को भी बधाई देते हुए कहा कि छात्रों का इसी तरह मनोबल बढ़ाया जाए, जिसे छात्र ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जाएं। विद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा भी छात्रों को बधाई दी गई। जिले के शिक्षा अधिकारी कमल सिंह कुशवाहा ने भी परीक्षा परिणाम पर हर्ष व्यक्त किया है। कक्षा 10वीं में 20 छात्रों ने 80% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं और 8 छात्रों ने 90% से ऊपर नंबर लाए हैं। इसके लिए छात्र बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार 12वीं में 85% से ऊपर 2 छात्र और 8 छात्रों ने 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं। ये सभी छात्र बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम इन छात्रों को बहुत शुभकामनाएं अपने विद्यालय परिवार की ओर से देते हैं और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की तरफ से बहुत अच्छी पहल रही, जो विद्यालयों में ये बच्चे बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं। सोसाइटी से एक मासूम के इलाज कराने पर हितग्राही को 20,000 रुपए मिले थे, जिसमें से 10,000 रुपए कलेक्टर के नाम पर एवं 5,000 रुपए स्वयं ने अपने नाम पर पीड़ित से ले लिए थे। जानकारी लगते ही कलेक्टर ने मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए तत्काल आरोपी लिपिक संजू सोनी को निलंबित कर दिया और जांच के निर्देश दिए। हमारी बेटी के नाम से उन्होंने पैसे निकलवाए थे और बाद में कहने लगे हमारा इतना लगेगा, आप इतने पैसे 5 रख लो। तो मैंने बोला कि भाई आप ही रख लो, हमें चाहिए, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कौन आया था आपके पास और किस लिए पैसे निकलवाए थे? वो नाम बताओ, कौन आया था? वो संजू सोनी नाम के हैं। क्या है, किस विभाग में? इसमें कलेक्टेड में ही है। किस विभाग में है मालूम है? ये नहीं पता मुझे। तो आपके घर पहुँच गए जी? किस बात के लिए पैसे मांगे थे? उनने कहने लगे आपका, मैंने पैसा पास करवाया बेटी के ऑपरेशन का, तो उसमें इतना साहब को देना पड़ता है, 10,000, 5 मेरा है और 5 आप लोग। मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ था हर्निया का 4-6 महीने पहले, तो संजीव सोनी करके यहाँ कलेक्टर में नौकरी करते हैं, उन्होंने आके मतलब हमारे राशन कार्ड वगैरह पुराने बनवाए थे और मुलाकात की थी,
आपके से मुलाकात हुई थी उनसे, उन्होंने बोला था बच्ची का ऑपरेशन हो रहा है, हम थोड़ी बहुत सहायता सरकार से दिला देंगे। कितनी सहायता दिलाई थी? 20,000 दिलाई थी। कितने पैसे ले लिए? हमने पूरे ले लिए, 15,000 हमने बोला 5,000 किस काम में, हमें कर्जा लेके हमें लड़की का ऑपरेशन कराया, सब कुछ कराया मैंने, आप ये भी रख लो। वो लेके चले गए, फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या बोल के लिए साहब लोग देना है, साहब को लगता है पैसा। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सीसीटीवी के माध्यम से कई आरोपियों को लगातार गिरफ्त किया जा रहा है, जिनके कब्जे से चोरी की सामग्री बरामद की जा रही है। इसी क्रम में शहर की गार्ड लाइन में शनिवार शुक्रवार को एक महिला कर्मचारी का डिस्पेंसरी से मोबाइल चोरी होने के बाद आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस थाने में की गई है। मामले में पीड़ित महिला मेघा ठाकुर ने बताया है कि वह डॉक्टर सुरेश जैन के यहाँ काम करती थी, जिससे काउंटर पर उसका मोबाइल रखा हुआ था। इसी बीच शुक्रवार को पवन नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर सोनोग्राफी कराने आया, जिसने उसका मोबाइल चुरा लिया। उसे तब पता लगा जब उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो पवन दुबे उसका मोबाइल चुराते हुए दिखाई दिया। घटना की शिकायत कोतवाली में की गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं डॉक्टर के यहाँ पर जॉब करती हूँ। कल 4:30 बजे करीब मैं काउंटर पर बैठी थी, तो करीब हम रिपोर्ट उठाने गए, 5 मिनट में उसने मोबाइल चोरी कर लिया। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? सागरनाथा चौकी पर रहता है, सुना है, और पवन दुबे नाम है उसका। कैसे पता पड़ा आपको? हम लोगों ने सीसी कैमरे में चेक किया। FIR दर्ज कराई है? हाँ, अभी कर रहे हैं। शहर के तालाबों की स्थिति खराब हो चुकी है, ना तो नहाने योग्य पानी बचा है और ना ही अन्य उपयोग के लिए। यही कारण है कि सामाजिक संस्थाएं तालाबों की सफाई करने के लिए आगे आ रही हैं। इसी क्रम में शहर के गायत्री परिवार से जुड़े अनेक सदस्यों ने शनिवार दोपहर बेलाताल पहुंचकर श्रमदान करते हुए तालाब की सफाई की। गायत्री परिवार से जुड़े सदस्यों का कहना है कि वह चाहते हैं कि तालाब का पानी पूरी तरह से स्वस्थ हो, जिससे लोगों द्वारा पानी को उपयोग में लिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने जब तालाब की सफाई पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने सोचा वह स्वयं जाकर श्रमदान करें, जिससे तालाब की सफाई हो जाएगी और पानी भी स्वच्छ रहेगा। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। और हम लोग हमेशा तालाब की सफाई करते रहे हैं। गायत्री परिवार ने बीड़ा उठाया है, बाकी सब शहरवासी जो है और साथ दे सके तो अच्छी बात है, आ सकते हैं, लेकिन हम लोग सफाई कर रहे हैं पूरे गायत्री परिवार के। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार तत्वावधान में आज पूरे भारतवर्ष में गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे सत्य आंदोलन के तहत गंगा जल शुद्ध अभियान के अंतर्गत आज हम यहां पे हमारे गायत्री परिवार शक्तिपीठ समूह के सभी भाई बहन ये सफाई कर रहे हैं यहां की, और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप तालाब में ये जो फूल वगैरह इस साइड में डालते हैं इसको यहां ना डाल के किसी खेत में गड्ढे में करके उसमें डाल लें, ताकि उसकी खाद बन जाएगी, ताकि अपना जो जल भारत में मात्र 3% जो जल है ना स्वच्छ बचा हुआ है, उसको हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी भाइयों से निवेदन यही है कि इसमें हम लोग का सहयोग है। गायत्री परिवार द्वारा एकत्रित पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जो उद्देश्य और निर्देश तय किए गए हैं कि हमारा विश्व कैसे स्वच्छ, कैसे हष्ट पुष्ट रहे, यहाँ के रहने वाले भारत के निवासी लोगों से कैसे दूर रहें, उसी के अंतर्गत आज हम सभी लोग गायत्री परिवार जिला गाँव वालों ने बेलाताल की सफाई करने का बीड़ा उठाया है, और इसी क्रम को हम लोग पहले भी पूर्णवर्ती कार्यक्रम दे चुके हैं और आज उसी कार्यक्रम को फिर करने आ रहे हैं। और इसमें मैं नगर पालिका से और अपने जिले की जनता से भी सहयोग चाहता हूं कि वो भी इस मुहिम में सहयोग दें, ताकि बरसात के पहले हमारे यहाँ जिले की सफाई और दमोह शहर की सफाई हो सके, जिससे लोग बाग बीमार भी ना पड़े और एक अच्छे हष्ट पुष्ट जिला और विश्व का कल्याण। जिले में लगातार वाहन दुर्घटनाओं के बीच शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बारातियों से भरी बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। बस में सवार 50 यात्रियों में से 36 यात्रियों को करंट लगा, जिनमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। मावली में बस में सवार यात्रियों ने बताया कि जबलपुर से दमोह के लिए हिंडोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम डांस खेड़ी में बारात आई हुई थी। शुक्रवार रात भावर पड़ने के बाद शनिवार सुबह जब दूल्हा दुल्हन बस में बैठकर विदा होने वाली थी, इसी बीच दहेज का सामान बस पर चढ़ाया जा रहा था, लेकिन चालक ने लापरवाही की ओर बस को आगे बढ़ा दिया।
जिससे ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से सामान ऊपर चढ़ा रहे यात्रियों को करंट लगा और बस भी करंट के चपेट में आ गई। परिणाम स्वरूप दूल्हा दुल्हन सहित करीब 36 लोगों को करंट लगा है, जिसके चपेट में आने से घायल हो गए हैं लोग, जिनमें से 4 गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सबलगढ़ की झुंडपुरा नगर पालिका परिषद के CMO विगत कई दिनों से नगर पालिका में नहीं पहुंचे और जब उनसे बात की तो अपने आप को प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती होना बताया, तो सूत्रों से जानकारी मिली कि CMO साहब वर्तमान में सबलगढ़ में निवासरत हैं और नगर पालिका के दीवारों में दरारें और छत की टूटी फूटी प्लेट की मेंटेनेंस के लिए स्वीकृत पैसों से अपने निजी कार्यों को कर रहे हैं। जब CMO की जानकारी नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों से लेनी चाहिए तो वह कैमरे के सामने अपना मुंह छुपाते नजर आए। मुरैना से तुलसी दत्त की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची को बरामद किया है। जब बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया। बच्ची ने पुलिस को बताया कि वह 15 मई को झांसी अपने घर से भागकर ग्वालियर आई थी, जहां पर दो युवकों ने उसे झांसा देकर एक पति पत्नी को बेच दिया। दोनों पति पत्नी नाबालिग से गलत काम करवाते थे। नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के माता पिता को पुलिस ने भी सूचित कर दिया है। ग्वालियर से तुलसी दत्त शर्मा की रिपोर्ट। विगत 16 अप्रैल को एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, करीब 15 वर्ष उम्र की, झांसी की रहने वाली है। ये अपने परिवार से नाराज होकर घर से चल दी थी तो वहाँ इसको दो लड़के मिले जो कि बैला फुसला कर बहुड़ापुर ग्वालियर में ले आए और यहाँ पर एक दीपक अग्रवाल नाम के व्यक्ति को उन्होंने सुपुर्द कर दिया और कुछ पैसे लेकर लड़के वापस हो गए थे। दीपक अग्रवाल अपने इसको घर पर ले गया था और इसको दूसरे लोगों से इसके साथ में गलत कार्य कराया, ऐसा बच्ची का कहना है। कितने लोगों ने गलत कार्य किया, कितने लोग बताए? 3-4 लोगों का बता रही है जो कि जिन्हें जानती नहीं है। बच्ची के माँ बाप को खबर कर दी थी, वो भी आ गए हैं। अब इन लोगों के बयानों के आधार पर और दीपक जिसको कि हमने अभी कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ करके जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। खुलासा कैसे हुआ सर? बच्ची को कुछ लोगों ने कल देखा था, वो बदहवाश ही भाग रही थी तो तत्काल उन्होंने हमें सूचना दी और बच्ची को हम लोगों ने रिकवर करके और इसके परिजनों को खबर करा था। विजयपुर क्षेत्र के अंतर्गत बूथ क्रमांक 191 सहसराम में 12 मई को मतदान हुआ था। वहीं वोटिंग संपन्न होने के दौरान मतदान सामग्री गुम होने पर चुनाव आयोग ने यहां पुनर्मतदान का फैसला लिया है। इसी कड़ी में कल इस पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। विजयपुर से कोक सिंह ढाकर की रिपोर्ट। और इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।